टेनेंट एंड नॉर्मल पढ़ाने जा रहा हूँ इस चीज के लिए, तो 12th क्लास के लिए टेनेंट एंड नॉर्मल पढ़ाने जा रहा हूँ। डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन 1 से लेके 24 तक मैं सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है ना। 25 से जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा कमेंट सब्सक्राइब सब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। घर पे ही पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये दोगो कर्व दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, कट इच अदर एट राइट एंगल। ये दोनों कर्व एक दूसरे का परपेंडिकुलर केस है, तो क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे। यदि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आ गया तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन पहले, स्लोप मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डी एक्स और कितना 2 इंटू ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 0। तो क्या आ गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस एक्स बाई वाई। दैट मीन्स क्या, इसको हम m1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका स्लोप निकालते हैं, इसका इसका 2dy स्क्वायर बाय dy इंटू dy बाय dx माइनस 2x इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 2 जा 4y dy बाय dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या x स्क्वायर का 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया 2x बाय 4y, दैट मीन्स x बाय 2y। इसको क्या m2 मान लेते हैं, 4 परपेंडिकुलर, 4 परपेंडिकुलर। तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होना चाहिए माइनस 1। तो m1 का वैल्यू कितना है माइनस x बाय y और इसका कितना है x बाय 2y। ये किसका, ये 1 के इक्वल टू नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। पूछ रहा था दोनों कर्व परपेंडिकुलर है तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। आईआईटी में भी टेनेंट एंड नॉर्मल से ऐसे ही इजी क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, दो ही तीन टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। ट्वेंटी फाइव तक बता दिया, 26 में क्या बोल रहा है बुआ, वाई इक्वल टू 2sin²x, वाई इक्वल टू 2sin²x एंड वाई इक्वल टू cos²x कट एट x बराबर पाई बाई 6। ये क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या,
पाई बाई सिक्स बन। सपोज कीजिए ये कर्व फर्स्ट हो गया और ये कर्व सेकंड हो गया, यानी ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर y इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स और y इक्वल टू कॉस टू एक्स है। दैट मीन्स ये दोनों कर्व क्या होना चाहिए, कट होने के लिए इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद यदि x बराबर पाई बाय सिक्स आ रहा है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कट कर रहा है पाई बाय सिक्स पर, तो बोल देना है हाँ। अदरवाइज यदि नहीं पाई बाय सिक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कट नहीं कर रहा है पाई बाय सिक्स पर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई 4। साइन एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस 1 बाई 2। दैट मीन्स साइन एक्स बराबर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ये कब आता है 1 बाई 2, जब पाई बाय 6 होता है, जब x का वैल्यू पाई बाय 6 आता है। दैट मीन्स हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेवन है। प्रूव दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 टच इच अदर touch each other at point 1, 2। मतलब क्या हो गया, ये दोनों कर्व, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट दिस कर्व एंड दिस कर्व कर्व्स इंटरसेक्ट या टच इच अदर एट एक्स बराबर टच इच अदर एट एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कितना पे कर रहा है, 1, 2 पे। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यदि एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है और वाई का वैल्यू 2 आ रहा है तो एक दूसरे को टच करेगा, अदरवाइज ये टच नहीं करेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड वी गेट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया 1। अब क्या है y स्क्वायर बराबर क्या है 4x, तो y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 4 आ गया, तो y बराबर क्या प्लस माइनस 2, तो पॉइंट कैसा आ गया x बराबर 1 तो y बराबर 2 एंड x बराबर 1 तो y बराबर एक बार माइनस 2। मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को जो टच कर रहा है वो 1,2 पर भी कर रहा है और 1,-2 पर भी कर रहा है, तो दैट मीन्स हमको क्या चाहिए 1,2 ना, तो लिख देना है आ गया, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो पूछना जरूर है, फाकी नहीं मारना है। ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड, खास बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में ही कोई नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के लिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये एकदम महान आत्मा का बना हुआ, ये सब बार पूछता है या इसी टाइप का पूछता है, 99% चांस रहता है यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, तो अच्छे से देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ के स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूफ करना है ये दोनों 90 डिग्री पे यदि कट कर रहा है तो क्या आ जाना चाहिए, एफ के स्क्वायर इक्वल टू 1। हम देखते हैं 90 डिग्री का कंसेप्ट है, तो पहला काम तो ये हो गया कि दोनों का स्लोप चाहिए, दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाना चाहिए, ठीक है, एगो कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसमें -1 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा, आंसर जो है उस वो किस में है, k में है, तो हम क्या करेंगे x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और y का कोऑर्डिनेट k के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। इससे पहले ऐसा बात नहीं था, डायरेक्ट हम क्या करते थे दोनों का स्लोप निकाल लेते थे और m1 बराबर m2 इक्वल टू -1 आ गया तो लिख देते थे, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्या है, ऐसा आसान वाला काम नहीं है, इसमें एक स्टेप बढ़ गया। स्टेप क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो लाना है 8k² = 1, दैट मीन्स एक्स और वाई दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो क्या कर लेना है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट पहले हम के टर्म में फाइंड कर लेते, फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखते हैं एक्स वाई बराबर क्या है के और एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर कितना है वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर कितना के,
तो y क्यूब बराबर क्या आ गया k, तो y बराबर क्या आ जाएगा k के पावर 1/3। ठीक, अब क्या है x, x इक्वल टू क्या है y स्क्वायर, तो x y का वैल्यू क्या k टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स k का वैल्यू क्या आ गया 2/3। पॉइंट कैसा आ गया अपने पास, के एक्स का वैल्यू आ गया के पावर 2/3 और वाई का वैल्यू आ गया है के का के टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट क्या आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दैट मीन्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1/2y, तो 1/2 y का वैल्यू कितना है k टू दी पावर 1/3, इसको हम क्या कर लेते हैं m1 मान लेते हैं। अब क्या स्लोप ऑफ कर्व सेकेंड क्या है एक्स वाई इक्वल टू के, तो वाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, के का डिफ्रेंसिएशन 0, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, इसको क्या वाई का वैल्यू क्या है माइनस टू माइनस, वाई का वैल्यू क्या के टू डी पावर 1/3, एक्स का वैल्यू क्या है के टू डी पावर 2/3 और इसको हम एम टू मान लेते हैं। और क्या बोल रहा है, ये दोनों कर्व जो कट कर रहा है, ये दोनों कर्व जो एक दूसरे को कट कर रहा है, ये कितने पे कर रहा है, तो ऑर्थोगोनली दैट मींस 90 डिग्री। मैं फिर बोल रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए है हाँ ही, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर कितना -1, m1 का वैल्यू क्या है 1/2 k टू दी पावर 1/3 और m2 का वैल्यू कितना है -k^3/1/3 इक्वल टू कितना -1। ये भाई साहब चल दिए और ये माइनस से ये माइनस चल दिए, क्या आ गया क्रॉस 1/2 k^3/1, तो 1 = 2k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है ना, अब क्या क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का क्यूब 1 है, 2/3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और कितना k का क्या है 2/3 का क्यूब, तो ये कैंसल हो गया, तो 1 = 8k² क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। अब 30 से जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, पॉइंट दिया हुआ है और टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, तो आसानी से वो सब क्वेश्चन है, तो हम उन 29 बना लीजिएगा, 30 से हम बनाना फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, उसमें भी क्या बोला ऑर्थोगोनली दैट मीन्स परपेंडिकुलर,
थर्टी क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर एट द पॉइंट वन कॉमा वन। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर एट द पॉइंट वन कॉमा वन पर क्या करना है, इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, दो गो बात चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालना हम लोग जानते हैं जी, डी एक्स क्यू बाय डी एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कितना, टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, टू वाई। अब पॉइंट कितना दिया हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स पॉइंट कितना है, वन कॉमा वन। तो थ्री एक्स का वैल्यू कितना है, वन का स्क्वायर, और वाई भी कितना है, वन है। तो ये किसका स्लोप आ गया, ये स्लोप किसका आ गया, यदि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, जब कभी भी अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसका स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। किसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, ये लिखने का टेक्निक है, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, टी फोर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, जब भी अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। इस टाइप का बात हम लोग कब पढ़े थे, 11th में, कौन सा चैप्टर में, स्टेट लाइन में, कौन सा चैप्टर में, स्टेट लाइन में। अब देखो x1 1 है और y1 कितना है, 1 है। तो y माइनस 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, 3 बाई 2 एक्स माइनस एक्स वन भी क्या है, वन ए है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, टू वाई माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री। तो थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 3 बाई 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई 3। वैसे भी क्या ध्यान रखना है, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा ना उसका रेसिप्रोकल साइन लगा देना है। यदि 4 बाई 3 रहता तो 3 बाई 4 हो जाता है, माइनस 3 बाई 4 हो जाता है। यदि 3 बाई 2 है टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री। इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल साइन, अपोजिट साइन के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बाई 2 है तो माइनस टू बाई थ्री, यदि 4 बाई माइनस 5, माइनस 4 बाई 5 रहता तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता, 5 बाई 4 हो जाता। अब क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1
स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह का? अब क्या है, y माइनस वन माइनस नॉर्मल का स्लोप कितना है, माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, थ्री वाई माइनस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये क्या प्लस टू इधर है माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। दिस इज द दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना। अब कौन सा क्वेश्चन है, थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग किधर चल रहे हैं, थर्टी नंबर थर्टी वन के तरफ। अब क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, किसका पूछ रहा है इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व थ्री एक्स वाई स्क्वायर, थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या, वन एट द पॉइंट वन कॉमा वन। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, कोई कर्व का इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है इस पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट तो दिया हुआ है, हम नॉर्मल का स्लोप निकालना है, सब ये पॉइंट दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो स्लोप पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल का निकालते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले क्या होगा, अपने आप टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल साइन माइनस रिवर्स साइन के साथ रेसिप्रोकल लिख देना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वन बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, थ्री y स्क्वायर x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। अब क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या है, वन कॉमा वन। फर्स्ट पहला काम, कोई भी कर्व का
जब हम स्लोप निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. टू इंटू एक्स का वैल्यू वन है, वाई का वैल्यू वन है, थ्री इंटू वन का स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू वन माइनस टू वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू माइनस थ्री माइनस वन, सिक्स माइनस टू फोर. अब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? माइनस वन बाई फोर इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन. दिस और दिस कैंसल. द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया? फोर. अब क्या करना है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वन फोर एक्स माइनस वन. क्या हो जाएगा? 4x, ये y इधर जाएगा तो माइनस वाई माइनस फोर और प्लस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. ये किसका हो गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया. क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया. ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग चल रहे हैं. अब क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल, 32 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन एट द पॉइंट वन बाई टू और 35 बाय. हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. तो पॉइंट दे रखा है, तो क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 10x प्लस 6. तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10, एक्स का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया? 1. दैट मीन्स कोई भी कर्व का dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है. ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. रिक्वायर्ड इक्वेशन of tangent is y minus y1 slope of tangent into x minus x1 y minus y1 35 minus 35 by 4 slope of tangent 1 x minus kitna 1 by 4 y minus 35 upon 4 2x माइनस 1 अपॉन 2. ये कितना हो गया? 2. अब क्या आ गया? 4y माइनस 35 इक्वल टू 4x माइनस 2. 4x माइनस 4y प्लस 33 इक्वल टू 0. ये किसका इक्वेशन आ गया? टेंजेंट का. बाय द वे नॉर्मल का निकालना रहता है, ये भी सेम रहता है, ये भी सेम रहता है. इसका रिवर्स अपोजिट रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन ही हो जाता. केवल साइन क्या लगा देते? यहाँ पर माइनस वन लगा देते और यहाँ क्या टी केवल एन लिख देते. ठीक है, लेकिन पूछ नहीं रहा है. ठीक है ना?
अब क्या करेंगे, इसके आगे जो है 32 के बाद जो भी 33 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 32 बताना भूल गए, बता लेते अभी, ठीक है ना। ये 33 नंबर क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है 32 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एट द पॉइंट 80² 280 टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। 32 नंबर क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80² 280। हमको क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, तो स्लोप निकालना पड़ेगा, पॉइंट तो दे ही रखा है, तो क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y dy/dx और 4ax का कितना हो जाएगा 4a, तो dy/dx 4a/2y, तो 4a 2y का वैल्यू कितना है 280, 4a 4a कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1y। ये किसका स्लोप हो गया जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-280 1y t x-80² कुछ नहीं करना है इसको, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ty-280² इक्वल टू x-80² ये इधर आ गया, कितना हो जाएगा x-ty और -280² + 80² क्या आ गया 80² = 0, ठीक है। अब क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या पहला काम क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1/t m स्लो m इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया -3। अब क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y-y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x-80² y-y1 280 स्लोप ऑफ नॉर्मल -t x-80² y-280 -tx + 80³ क्या आ गया y + tx = 280 + 80³। यदि ये सब पढ़े होंगे तो ये क्या हो गया पैराबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ये क्या आ गया पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये पैराबोला का क्या हो गया टेंजेंट का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। हम एक से लेके 33 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, ठीक है ना। इससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। धन्यवाद।